वेलकम टू आवर चैनल लाइफ साइट विजिट। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्तों ना, मैं आ गई हूं एक और अमेजिंग प्रॉपर्टी के साथ। तो आज हम आए हैं अबर म्यूज गेट, जो कि लोकेटेड है चंडीगढ़ कुराली हाईवे पर। एंड यहां ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपके चंडीगढ़ से, सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। साथ ही कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को, लोअर हिमाचल को एंड पंजाब को। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने 800 फीट वाइड फ्रंट है, जहाँ पे आपको कमर्शियल्स, ऑफिस स्पेसेस, सोहोज एंड 120 शोरूम्स है। और आप देख सकते हैं हर तरह का शोरूम, सैलॉन, यहाँ पे फूड आउटलेट, हर चीज़ अवेलेबल आपके डोर स्टेप पे ही रहेगी। सो गाइज, जब भी हम कोई फ्लैट खरीदते हैं, हमारा मेन प्राइम फैक्टर रहता है सिक्योरिटी का। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपको बूम बैरिकेड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, गार्ड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, सीसीटीवी प्रोवाइड हो रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जितनी भी गेस्ट एंट्रीज रहेगी वो एक माई गेट ऐप के थ्रू रहेगी, जो आपके फ़ोन पर डाउनलोडेड होगी। सो गाइज, एंड साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सोसाइटी को मेंटेन किया जा रहा है JLL ग्रुप के द्वारा, जो कि इंडिया की नंबर वन मेंटेनेंस कंपनी है। नाउ लेट्स चेक आउट फर्दर। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत बनाई है और बहुत ही एलिगेंट बनाई है। एंट्री करते ही आ जाता है हमारा क्लब हाउस, जो काफ़ी हद तक ऑपरेशनल है। यहाँ पे आपको जिम, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल, रूफ टॉप, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड काफ़ी कुछ अवेलेबल रहेगा। अगर मैं आगे बात करूँ तो इधर आ जाते हैं हमारे G+3 कॉन्सेप्ट के अपार्टमेंट्स, जो कि डिलीवर्ड है। एंड यहाँ पर आ जाते हैं हमारे हाई रेज अपार्टमेंट्स, जो 2, 3 एंड 4 BHK में अवेलेबल होंगे। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सोसाइटी है ये 8 acres की सोसाइटी रहने वाली है। एंड अगर हम इसको प्रीमियम सोसाइटी कह रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको सारी प्रीमियम फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। 24/7 वाटर सप्लाई, 24/7 पावर बैकअप, साथ ही साथ सूरज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड बहुत कुछ। एंड साथ ही साथ गाइज, आपको यहाँ पे मिल रहे हैं लश ग्रीन पार्क्स एंड डेडिकेटेड कोर्ट्स फॉर आउटडोर गेम्स। चलिए आगे चेकअप करते हैं। सो गाइज, हम आ गए हमारे सैम्पल फ्लैट की एंट्रेंस की तरफ। एंड यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाती है हमारी एंट्रेंस। तो आपके फ्लैट पर जाने के दो तरीके रहेंगे, लिफ्ट एंड स्टेयरकेस। सो गाइज, ये है हमारे सैम्पल फ्लैट की एंट्रेंस। एंड यहाँ पर आपको 8 feet का वुडन डोर अवेलेबल होगा। एंड यहाँ पर आपको वीडियो डोरबेल मिलेगी, जो कि आप अपने फ़ोन से एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैं लॉक की बात करूँ तो यहाँ पे पासवर्ड इनेबल लॉक है, यहाँ पे आपको ये बायोमेट्रिक इनेबल्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे आप की कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड नॉर्मल लॉकिंग की कॉन्सेप्ट भी है। ऑल्सो आप इसको अपने फ़ोन से भी खोल सकते हैं ऐप के थ्रू। नाउ लेट्स चेक आउट फर्दर। तो एंट्री करते हैं हमारे फ्लैट में, पहला इंप्रेशन रहने वाला है वाओ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। आप देख सकते हैं कि 7-seater सोफ़ा लगाने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा मूवेबल स्पेस है। एंड अगर हम सैम्पल फ्लैट की बात करें तो वहाँ से आपको इंटीरियर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने वॉलपेपर बहुत ही सुंदर लगाया है। एंड यहाँ पर लाइट और वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, बिकॉज आपको मिलेगी यहाँ पर एक बालकनी एंड ह्यूज विंडो। एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा AC का प्रोविजन। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल पेंटिंग, यू कैन पिक सम आइडियाज फ्रॉम हियर। सो मूविंग फर्दर, लेट्स चेक आउट आवर डाइनिंग स्पेस। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा डाइनिंग स्पेस। एंड आप देख सकते हैं कि 6 seating की डाइनिंग लगाने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। एंड जस्ट लुक एट दिस लाइटिंग्स, यू कैन पिक सम आइडियाज फ्रॉम हियर। बहुत ही सुंदर लाइटिंग से इन्होंने इस फ्लैट को डेकोरेट किया है, डाइनिंग स्पेस को बहुत ही सुंदर बनाया है। सो यहाँ से हम एंटर करते हैं हमारे किचन की तरफ। एंड आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पार्टीशन आपको सैम्पल फ्लैट में दिखाई जा रही है। कुछ ऐसा ही आइडिया आप अपने फ्लैट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर आके देखते हैं तो यहाँ पर किचन कम्प्लीटली मॉड्यूलर है, आपको हॉब एंड चिमनी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली हाइड्रोलिक विद अ सॉफ्ट क्लोजर, जस्ट चेक आउट। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे डुअल सिंक विद रोटेटिंग फॉसेट विद द प्रोविजन ऑफ RO एंड गीजर। एंड यहाँ पे लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए यू ऑल्सो हैव अ विंडो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो गाइस, चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, लेकिन उससे पहले एक नज़र इस खूबसूरत सी ग्लास पेंटिंग में विद बैक के लेडी। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बुद्धा की पेंटिंग बनाई है, ग्लास पेंटिंग बनाई है। आप इस एरिया को कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे आप पूजा घर बना सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अ फर्स्ट बेडरूम। सो दिस इज़ आर फर्स्ट बेडरूम। एंड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर आपको मिलेगी विट्रीफाइड फ्लोरिंग, AC का प्रोविजन एंड साथ ही साथ कंसील लाइटिंग। ऑल्सो यू विल हैव अ वार्डरोब हियर, जस्ट हैव अ लुक।
मोर और लेस आपको ऐसी ही वार्डरोब मिलेगी विच विल बी क्वाइट स्पेशियस. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर अनसूट वॉशरूम. सो दिस इज आर अनसूट वॉशरूम एंड आप देख सकते हैं काफ़ी एलिगेंट तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है. ये टाइल वर्क बहुत ही सुंदर है. फुल लेंथ वॉल टाइल्स यूज़ की गई है. एंटीस्किड टाइल्स है. ब्रांडेड फिक्स्चर्स है. एंड वेंटिलेशन के लिए भी आपको एक छोटी सी आउटलेट प्रोवाइड की गई है. एंड गाइज यहाँ पर आ जाएगा आपका बालकनी या वॉशिंग एरिया. आप इसे कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो आगे जाके आ जाता है हमारा सेकेंड बेडरूम. कम ऑन. वाओ. सो दिस इज आवर सेकेंड बेडरूम एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है. एंड जस्ट लुक एट द इंटीरियर्स. आप ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हैं. ऐसी पेंटिंग्स लगा सकते हैं एंड अपने रूम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं. तो यहाँ पर भी आपको मिलेगी विट्रीफाइड फ्लोरिंग, एसी का प्रोविजन एंड साथ ही साथ कंसील लाइटिंग्स भी. और लेट्स चेक इन आर ऑनसूट वॉशरूम. सो हियर वी हैव आर ऑनसूट वॉशरूम एंड आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है. यहाँ पे आपको मिलेगी एंटीस्किड टाइल्स, फुल लेंथ वॉल टाइल्स, ब्रांडेड फिक्स्चर्स एंड साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए एक आउटलेट भी. तो इस रूम में भी आपको वेंटिलेशन के लिए विंडोज प्रोवाइड की जाएंगी एंड साथ ही साथ विल ऑल्सो बी हैविंग वार्डरोब्स. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड चेक आउट फर्दर. तो आप देख सकते हैं कि लिविंग स्पेस में दिस हैज़ माई हार्ट. इट इज़ अ ब्यूटिफुल अट्रैक्शन. ये बेवेल्ड ग्लास की पूरी वॉल तैयार की गई है एंड ये अपने आप में ही बहुत सुंदर है. आप भी कुछ ऐसा ही अपने फ्लैट के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड चेक आउट आर थर्ड बेडरूम. सो दिस इज़ आर थर्ड बेडरूम एंड इट इज़ ह्यूज. बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है. इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं एंड उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है. दे ऑल्सो केप्ट अ कैबिनेट हियर. आप भी कुछ ऐसा रख सकते हैं. यू आर हियर ऑल्सो यू हैव कंसील लाइटिंग्स, एसी का प्रोविजन एंड विट्रीफाइड फ्लोरिंग एंड ऑल्सो यू हैव दिस ब्यूटिफुल वॉल पेपर. आप देख सकते हैं आप कुछ ऐसा ही अपने फ्लैट के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू हैव विंडोज फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स our ensuite washroom. So this is our ensuite washroom and आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है. जस्ट लुक एट द टाइल वर्क. बहुत ही एलिगेंट एंड रॉयल लग रहे हैं. यहाँ पर भी आपको एंटीस्किड टाइल्स प्रोवाइड की जाएंगी, फुल लेंथ वॉल टाइल्स प्रोवाइड की जाएंगी एंड साथ ही साथ ब्रांडेड फिक्स्चर्स रहेंगे एंड वेंटिलेशन के लिए आउटलेट भी. सो गाइस ये था आपका लो राइज अपार्टमेंट का 3 BHK सैम्पल फ्लैट जो 1425 स्क्वायर फीट का था. हाई राइज अपार्टमेंट्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे जैसे कि सारे स्विचेस एलेक्सा इनेबल्ड रहेंगे एंड आप उसे अपने फ़ोन से भी एक्सेस कर पाएंगे. साथ ही साथ जो आपका एंट्रेंस लॉक होने वाला होगा वो भी कम्प्लीटली डिजिटल होगा एंड उसे भी आप अपने फ़ोन से एक्सेस कर पाएंगे. साथ ही साथ विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद अ वीडियो डोर बेल. सो गाइस कैसा लगा आपको ये फ्लैट मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो. ऑल्सो do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon of LifeSite Visit. This is Anchor Sonam signing off. See you with the next video.